सहारनपुर में फुलवारी आश्रम में चल रहे सबसे पुराने अखाड़े में तैयारी कर रहे पहलवान बाजार में मिलने वाले पाउडर व अन्य पदार्थों का खाने में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि करीब 200 वर्ष पुराने अखाड़े से दांव पे सीखने वाले युवा देसी जड़ी बूटियां व ड्राई फ्रूट्स का खाने में प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि देसी चीज़ों को खाने वाले पहलवानों की सेहत, जिम में एक्सरसाइज करने वाले व फिटनेस बनाने के लिए बाजार के पाउडर खाने वाले युवकों से अलग होती है। अखाड़े के पहलवान अधिकतर जड़ी बूटियां व अन्य चीज़ों को सिलबट्टे पर पीसकर तैयार करते हैं और खाने में प्रयोग करते हैं। अखाड़े में पहलवानी करने वाले विक्की पहलवान ने कहा कि पहलवानी का मूल मंत्र आचार विचार और व्यवहार होता है, साथ ही खाने में प्रयोग होने वाली चीज़ों का भी अपना महत्व होता है। उन्होंने बताया कि फुलवारी आश्रम में पहलवानी करने वाला व्यक्ति बाजार के पाउडर आदि उत्पाद खाने में प्रयोग नहीं करता। विक्की पालीवाल ने बताया कि पहलवान के लिए सर्दी के मौसम में बादाम, किशमिश, मगज, गुलाब की पत्ती व हल्दी आदि के दूध से तैयार ठंडाई में मिलाकर लेते हैं। उन्होंने बताया कि इस सभी ड्राई फ्रूट को सिलबट्टे पर पीसकर तैयार किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता पहलवान की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आमतौर पर लोग मिक्सी में ड्राई फ्रूट्स को पीसकर शेक बनाकर पीते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि सिलबट्टे पर ड्राई फ्रूट्स को पीसकर जो उत्पाद तैयार किया जाता है वह सबसे ज़्यादा ताकतवर और सेहतमंद होता है। मैं लगभग पिछले 16 साल से पहलवानी कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो अखाड़े के अंदर एंट्री हुई थी 2005 से है। 2005 जी। तो किसको देख के प्रभावित हुए थे आप जब से आपने पहलवानी? देखिए, प्रभावित तो हमारे गुरुजी थे, जसवंत गुरुजी। वो आते जाते थे हमारे क्षेत्र के दर से, क्योंकि वो जाटू नगर से रहने वाले थे। उनसे मिलना जुलना होता था, गुरु से पैर छूना होता था, तो उनसे प्रभावित थे। उनसे पूछते थे गुरु जी कैसे गया, तो कहते भाई अखाड़े में। उस समय लेकिन छोटे थे, तो जब हमने हाई स्कूल किया 2005 में, तो उसके बाद आना जाना हुआ। मेरा अखाड़ा जो है अखाड़ा फुलवारी आश्रम गुरु सिट्टू महाराज जी है, जहाँ से मैं फिलहाल भी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। ये लगभग पिछले 200 वर्ष पुराना अखाड़ा है, जो अंग्रेजी हुकूमत से चलता रहा है। और हमारे अखाड़े के एक पारंपरिक जो पहलवान रहे हैं, गुरु जसवंत सिंह जी के भी बड़े भाई थे वो, उनका नाम था जगदीश गुरु जी। उन्होंने यहाँ पर रुस्तम हिंद का जो गुरु जो होता है हमारी पहलवानी, उसमें गो गिफ्ट होता है, उसको यहाँ जीतने काम किया था अंग्रेजी हुकूमत के समय 1939 में जी। तो जैसे ये अखाड़ा है, यहाँ से कितने लोग कहाँ तक के जाकर पहलवानी करी है? देखिए, पहलवानी तो एक नॉट फॉर प्लेटफॉर्म, कहीं भी जा सकता बंदा। लेकिन हमारे अखाड़े की जो एक परंपरा रही है, यहाँ से अखाड़े कि बच्चे कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल पर जा चुके हैं, क्योंकि मैं भी लगभग 2 साल नेशनल खेल चुका हूँ, एक बार रोहतक में, एक बार मेरठ कैंपस में जी। अच्छा, अगर बात करें पहलवान की सेहत के बारे में, तो पहलवान की सेहत का असली राज क्या है? देखिए, पहलवान की सेहत का असली राज तो यह है कि अगर आदमी खुद का आचार विचार और व्यवहार बना के रखेगा, तो वही पहलवान की समझ लो सेहत करा जाए। अगर तीन मूल मंत्र कहे गए, आचार विचार और व्यवहार, आचार का मतलब है खाना पीना, और विचार का मतलब है शुद्ध आदमी का व्यवहार आचरण, और विचार का मतलब है कि आदमी का खुद का रहना सहना का टेक्नोलॉजी, भाई कैसा रहना सहना है। आज का मैं आपको बताऊंगा कि आचार का मतलब ये हो गया हमारी भाषा में कि आदमी को खाना पीने का नहीं पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, आज की डेट में देखेगा जैसे शादी ब्याह का माहौल है, आदमी नाइट में भी आइसक्रीम खा रहा है, तो वो आदमी की सेहत को कहीं ना कहीं दुरुस्त की करने की जगह उसको बेकार ही करेगा। तो बाकी रहे पहलवानों का डाइट का मामला, तो उसमें क्या है कि भाई आजकल तो जैसे हम खुद यूज कर रहे हैं, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, जो देसी रगड़ा इसको बोलते हैं ठंडाई, उसमें बादाम हो गया, मगज़ हो गए तरबूज वाले, और किशमिश होगी, दखनी मिर्च होगी, और हल्दी होगी। ये लगभग 5-4 चीज़ हम डालते हैं उसमें, बाकी तो और भी चीज़ें, लेकिन गर्मी का डाइट अलग होता है इसमें और सर्दी का डाइट अलग होता है इसमें। अभी जो आप तैयार कर रहे थे, क्या था और इसमें क्या क्या आपने करा, किस क्या प्रोसेस है इसको तैयार करने का? देखिए, वो तो दो आदमी की डाइट बना रहा था मैं, एक मैं, मेरा छोटा भाई है, मैं उनको भी तैयारी करा रहा हूँ, बल्कि वो भी लेके चले गए डाइट यहीं से, वो भी नेशनल की तैयारी कर रहा है बच्चा, बच्चे का नाम शिवम है। तो उसमें भी लगभग बादाम था मेरे, और गुलाब की पत्ती थी, हल्दी थी, मगज था, किशमिश था, बाकी और भी वैरायटी थी जी। तो इसको आपने किस तरीके सिलबट्टे पे बनाया, सिलबट्टे पे और मशीन में बनाने में क्या अंतर आया? देखिए, आपने पूछा है कि सिलबट्टे और मशीन में क्या अंतर है। एक चीज़ फाड़ती है, एक चीज़ पीसती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भाई, हम किसी चीज़ को पीस करके उसका जूस निकालेंगे, तो वो मोस्टली सारा ही उसमें से जितना भी उसका जूस होगा सारा हमारे हित में काम करेगा। और एक चीज़ होती है मिक्सी, जिसको आप बोल लें फाड़, वो फाड़ती है, तो उसको पीस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लेड होते हैं, वो ब्लेड क्या है, उनको पीस कर देंगे, उसका कोई फायदा हमें नहीं मिल पाएगा।
उसमें से कुछ ही पोषक तत्व हमें मिल पाएंगे, कुछ सारे वरना वेस्ट हो जाएंगे। ये फायदा होता है पीसने में और ये नुकसान होता है हमें मिक्सी में ग्राइंड करने में। बिल्कुल, पीस के पीने में ही ज्यादा फायदा है। हाँ मोस्टली ये देखो हमारी जो भारतीय संस्कृति भी कहती है कि जो हमारी पुरातत्व विभाग भी कहता है कि जो हमारी पहले से आ रहा है कि सिलबट्टे पिसाई पत्थर से पीसने का फायदा ये होता है कि हमारा जो पत्थर पीस के जाता है वो भी हमारे कैल्शियम में काम करता है और हमारी हड्डी मजबूत करना काम करता है और अच्छे से मैश हो जाता है वो।